degrees adaptation. What is adaptation? The presence of specific features or certain habits of an organism which help it to survive in its surrounding is called adaptation. कुछ ऐसी habits या कुछ ऐसी स्पेशल फीचर्स जो कि उनकी बॉडी में बन जाते हैं उन्हें हम अडेप्टेशन कहते हैं, जिनके कारण वो अपने सराउंडिंग में अच्छी तरह से सक्सेसफुली सर्वाइव करने में कैपेबल होता है। ऑर्गेनिज्म की इन्हीं फीचर्स और इन्हीं हैबिट्स को अडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है। किसी भी हैबिटेट में जो स्पेशल क्लाइमेट, वहाँ का टाइप ऑफ सोइल, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब कंडीशन में किसी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए अपने आप को उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को हैबिटेट के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है, वो उस हैबिटेट में आराम से रह पाता है, और जो ना बदल पाए, जो अपने अडेप्टेशन को पैदा ना कर पाए, वो सराउंडिंग में नहीं रह पाता। तो अडेप्टेशन की प्रॉपर्टी लिविंग बींग्स को किसी भी कंडीशन में रहने के लिए कैपेबल बनाती है, चाहे उनके आसपास का क्लाइमेट, रेनफॉल, टाइप ऑफ सोइल, टेम्परेचर, ये चीज़ें चेंज होती रहे, वो उसके अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंज पैदा करते रहते हैं, उस कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, ये इतने ज़्यादा होने का जो रीज़न है वो भी यही है कि अडेप्टेशन के कारण किसी भी कंडीशन में एनिमल्स और प्लांट रह लेते हैं, इसीलिए वो हमेशा सर्वे करते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी के नाम से हम इसे जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने का रीज़न अडेप्टेशन ही होता है। नाउ एग्जांपल, कैमल एंड गोट। कैमल हम सब जानते हैं शिप ऑफ डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में होता है, और डेजर्ट में पानी की बहुत स्केरिसिटी, पानी वहाँ पर बहुत कम है, तो इसीलिए कैमल के बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसके कारण कि वो डेजर्ट में भी, पानी की स्केरिसिटी में भी और हाई टेम्परेचर में भी आराम से सर्वे कर पाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे हम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उसकी बेक पर होता है, कैमल की बेक पर, और जिसमें फेट एंड वाटर दोनों चीज़ें स्टोर, जब ऊंट को पानी ना भी मिले तब भी उसकी बेक पे जो हम है वहाँ पर स्टोर फेट और वाटर, उसको एनर्जी और वाटर के लिए यूज में आते रहते हैं। ऊंट एक साथ बहुत सारा पानी पी जाता है, उसे स्टोर करके रख सकता है। ये एक फीचर है, ये अडेप्टेशन है कैमल के लिए डेजर्ट में रहने के लिए। और सेकंड इज लॉन्ग लेग्स, उसके जो लेग्स है वो काफ़ी लॉन्ग है, हमें दिखते ही आप सब ने कैमल देखा ही होगा, तो लॉन्ग लेग्स उसकी बॉडी को काफ़ी ऊपर रखते हैं जमीन के स्तर से, क्योंकि जो सेंड है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उस सेंड के अंदर से गर्मी निकलती है। अगर उसकी टांगें छोटी होती है, उसकी बॉडी नीचे रहती है, उससे ज़्यादा गर्मी का एहसास होता, और जो लॉन्ग लेग है उसी बॉडी को काफ़ी ऊपर ले जाते हैं, जिसका क्रम इतना ऊपर है तो इससे गर्मी का एहसास एक बिल्कुल भी नहीं होता, ये गर्मी से बचा जाता है। थर्ड इज ड्राई स्किन, केवल की जो स्किन है काफ़ी ड्राई होती है, ड्राई होती है इसका मतलब कि जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो भी इसमें से स्वीटिंग यानी कि पसीना नहीं आता, तो पसीना ना आने के कारण बॉडी का जो वाटर है वो सेव रहता है। स्वीटिंग के थ्रू बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका लॉस होता है, लेकिन इसे तो पानी पहले ही मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए इसे अपने पानी को बचा कर रखना है, बॉडी के अंदर मौजूद वाटर को बचा कर रखना है, इसलिए इसकी स्किन जो है स्वीटिंग नहीं करती, यहाँ पर पसीना नहीं आता, ताकि वाटर का लॉस होने से बच जाए। एंड फोर्थ इज हूव्स, इसके पैरों में जो है आपको हूव्स नजर आते हैं, जो हूव्स है वो पेडेड है, पेडेड है मतलब कि आपने ऊँट के पैर देखे होंगे कि वो नीचे से जहाँ उसका हूव है काफ़ी चौड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं, पेडेड होते हैं, इसीलिए वो रेत के अंदर धंसते नहीं। आप किसी सेम के टीले पर या रेत पर चलने की कोशिश कीजिए, आपके पैर रेत में अंदर अंदर चले जाएंगे, लेकिन जब ऊँट है वो आराम से रेत पर चल पाता है, क्योंकि उसके पैर कैसे हैं, पेडेड हूव्स है, वो गद्देदार है वो, और फ्लेट है, थोड़े चौड़े हैं, तो वो रेत के अंदर धंसते नहीं, रेत के अंदर जाते नहीं, इसलिए ऊंट रेत पर चल भी आराम से पाता है और रेत पर काफ़ी तेज स्पीड से दौड़ भी लेता है। तो ये एडेप्टेशन से जो कि कैमल को डेजर्ट में रहने के लिए केपेबल बनाते हैं। सेकेंड इज योग, योग आप सब में देखते ही है, योग की बॉडी पर जो है बड़े बड़े बाल होते हैं, उसकी बॉडी पर काफ़ी सारा
स्ट्रेट भी होता है और उसके अलावा उसके लेग्स काफ़ी छोटे होते हैं। योग हिमालयन माउंटेन्स पे यानी कि ठंडी जगहों पर पाया जाता है। अब जो बॉडी के हेयर्स है, हेयर बॉडी के चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं जिनके अंदर की एयर फंस कर रह जाती है। बालों के बीच में जगह होती है डेफिनेटली, वहाँ पर एयर फंस जाती है। एंड एयर इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट, ये हीट की इंसुलेटर है, स्वेटर की तरह काम करता है। योग के बालों का कवर जो उसकी बॉडी के चारों तरफ, जिससे स्वेटर आपको ठंड से बचाता है, बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकता है, उसी तरह से वो बालों का कवर योग के चारों तरफ है। एयर की एक लेयर उसकी बॉडी के चारों तरफ बना दी जाती है और वो इंसुलेटर का काम करती है। इसका मतलब कि योग की बॉडी में से हीट निकल कर बाहर नहीं जाता, हीट ठंड से योग जो है ठंड से बचा जाता है। और उसकी बॉडी में काफ़ी सारा फैट भी है, फैट भी है जो कि एक मोटी लेयर फैट की, वो भी इंसुलेटर का ही काम करती है, बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकती है। इस तरह से योग काफ़ी ठंडे वातावरण